पांच राज्यों में मतदान हुए, पांचों राज्यों के मतदान खत्म हो चुके हैं और उसके साथ ही अब सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर रही। लेकिन उससे पहले भी अगर हम आपको बताएं कि 2 मई को मतगणना होती है और मतगणना में चुनावों के तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आने हैं और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस बार किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन पांचों राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कोई राज्य अगर नजर आता है तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि सीधे तौर पर पुराने वक्त से लोकसभा के चुनाव के दौरान से ही पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकसभा के दौरान बीजेपी को एक अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिला था, जनता के बीच से बहुमत एक तरीके से मिला था, इस बार एक बार फिर से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी जान लगाई थी और इस बार सभी नजरें इस बात पर है कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बार फिर से उसी तरीके का प्यार जनता का मिल पाएगा कि नहीं। और इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबले के बीच में कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिली है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। आपको बता दें कि 294 विधानसभा सीटें हैं, 294 से 2 सीटों पर इस बार वोटिंग नहीं हुई क्योंकि वहां के जो उम्मीदवार थे कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। 292 सीटों की अगर हम बात करें तो 292 सीटों पर मतदान हुए हैं और 292 सीटों पर अगर हम सभी की पार्टियों को मिलाकर देखते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त टीएमसी नजर आ रही है। दूसरे नंबर की जो पार्टी नजर आती है वो बीजेपी नजर आती है और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो बीजेपी और साथ कांग्रेस और जो लेफ्ट है वो वहां पर नजर आती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2 तारीख को मतगणना के बाद किस पार्टी के किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शशि पाल के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन लगातार घटती जा रही है, जिसका असर पूरे देश भर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जगह जगह से ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपनी जान गंवा दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा से एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहां 4 दिनों से कोशिश की जा रही थी एक ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की, जिसको आखिरकार शुरू कर लिया गया है। देखिए, इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। एक हम लोग का प्रयास रहा कि इन हाउस आगरा के अंदर हम लोग ऐसी क्या व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हमें बाहर से डिपेंडेंसी कम रहे। हमारे पास एक एडवांस सिलेंडर करके जो है सिकंदरा में उनका प्लांट ऑलरेडी रन कर रहा है, लेकिन उनकी कैपेसिटी सिर्फ 600 सिलेंडर पर डे की है। एक नया प्लांट हमारे यहाँ लग रहा था, हम लोगों ने जाकर उसको देखा, एक इंजीनियर वहाँ काम कर रहे थे। जब लगा कि सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा तो हमने अपने और जो टेक्निकल टीम थी उनको भेजा। इनके साथ ही चूंकि हर दिन महत्वपूर्ण था, हर घंटा महत्वपूर्ण था, तो हम लोगों ने आर्मी की मदद ली। यहाँ चूंकि अच्छा बेस है यहाँ पे, उनकी टेक्निकल टीम भी जाकर के उनको टेक्निकल इनपुट करने लगा। उसमें उनका एक पार्ट ऐसा है जो यहाँ नहीं बनता है, उन्होंने अहमदाबाद में ऑर्डर दिया। 2 दिन के अंदर रात दिन प्रयास करके वह ऑर्डर उनका तैयार हुआ, क्योंकि हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था। तो शहर को ऑक्सीजन से राहत दिलाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार दोपहर भारतीय वायु सेना का विशेष विमान अहमदाबाद पहुंचा। कुछ देर रुकने के बाद विमान में कंप्रेसर और अन्य उपकरण लाद दिए गए। यह विमान रात 11:30 बजे आगरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा, जहां सेना के ट्रक से इसे टेढ़ी बगिया स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचाया गया। रात में ही सेना के विशेषज्ञों ने कंप्रेसर और अन्य उपकरणों को जोड़ना चालू कर दिया था। राहत की बात यह है कि सुबह तक इसे तैयार कर लिया गया। अब ट्रायल के बाद इस प्लांट से जल्द आपूर्ति शुरू की जाएगी। यह जिले का दूसरा ऑक्सीजन प्लांट है, जिसमें एयर से ऑक्सीजन तैयार होगी। हर दिन 1600 सिलेंडर की रिफिलिंग होगी। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से काफी हद तक ऑक्सीजन को लेकर राहत मिलेगी। अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट ट्रायल के बाद से ही बंद पड़ा हुआ था। विमान से कंप्रेसर आने में 3 से 4 दिनों का समय बच गया, साथ ही असेंबलिंग में भी अलग से समय लगता, जो कि पूरा बच गया है। तो ऐसे में ये राहत की बात है। अब आगरा को एक और ऑक्सीजन प्लांट मिल गया है। ये दूसरा ऑक्सीजन प्लांट है आगरा का, जिससे अब यहाँ के वासियों को थोड़ी राहत मिलेगी और ऐसे गंभीर मरीज जो कि कोरोना से संक्रमित हैं और ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले हैं, उनको एक संजीवनी की तरह ये ऑक्सीजन प्लांट काम आएगा। कैमरा पर्सन शशि पाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत, एएनबी न्यूज। कोविड-19 और कोरोना, इन शब्दों ने दुनिया भर की जिंदगियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना ने इस बात को बता दिया है कि इंसान की जिंदगी की क्या कीमत है। साथ ही कोरोना ये बताने में भी कामयाब हो गया है कि इंसानी तकनीक की कुदरत के कहर के सामने कोई बिसात नहीं। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन समिट, वर्चुअल वेडिंग, इस तरह की तमाम चीजें कोरोना काल में ईजाद हुई और अब नंबर है वैक्सीन पासपोर्ट का। जी हाँ,
WHO और WEF ने घोषणा की है कि जल्द ही वैक्सीन पासपोर्ट बनाया जाएगा। वैक्सीन पासपोर्ट इस बात की गारंटी होगी, इस बात का दस्तावेज होगा कि आपने कोरोना वैक्सीन की डोज ले रखी। यूपी के एक और विधायक कोरोना के शिकार हो गए। आपको बता दें, नवाबगंज के केसर सिंह गंगवार की कोरोना से निधन हो गया, जिसके बाद उनके अपने ही परिवार वाले योगी सरकार और केंद्र की सरकार पर हमलावर हो गए। केसर सिंह के बेटे विशाल गंगवार ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर योगी सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। विशाल गंगवार ने लिखा, क्या यही है यूपी की सरकार? अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज। मैंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया, मगर मजाल है जो किसी ने फोन उठा लिया हो। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। तो जरा सोचिए, जब एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वही पिछले 24 घंटे में 3,70,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना हर रोज अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए रूस, यूके और अमेरिका समेत कई विदेशी देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। रूस के तरफ से 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइट मॉनिटर और दवाइयां पहुंची है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागिच ने ट्वीट कर बताया कि यूके से एक और शिपमेंट भारत पहुंच चुका है। बीते दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का मदद करने को कहा था। अब अमेरिका से मदद आना शुरू हो चुका है। अमेरिका से आने वाला जहाज 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, 9,60,000 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और 1,00,000 N95 मास्क भारत पहुंचा चुके हैं। वहीं आपको बता दें, भारत में बढ़ते कोरोना को देखते हुए भारत के मदद के लिए कई देश सामने आए हैं। कैमरामैन हरपाल के साथ ममता शर्मा, एएनबी न्यूज। रोजी रोटी चलाने के लिए ठेला लगाने वाले ठेला व्यापारियों के साथ कुछ नगर निगम के कर्मचारी अभद्रता कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हाँ, जब भी हम लोग यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है सीएसपी जीएम साहब के द्वारा, और यहाँ पर जैसे वो भी ठेला लेकर घूम रहे हैं कोरोना कर्फ्यू को, जो भी उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था, कई ठेला वाले जो होते हैं सुबह जो 7 से 12 का टाइम है, उसके पश्चात भी जो किनारे लगाए रहते हैं और अनावश्यक भीड़ इकट्ठा होती रहती है, और उसी प्रशासनिक कसावट के लिए और कोरोना कर्फ्यू के पालन के लिए ये भ्रमण किया जा रहा है। और जो भी हमको दिख रहा है, जो भी ठेला वाले अवैध लगाए हुए हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां पर बीते दिन नगर निगम रीवा के कुछ कर्मचारियों के द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए वह सड़कों पर उतरे थे, जहां पर ठेला व्यापारी दिख गए, जिनके साथ नगर निगम के कर्मचारी सख्ती के साथ पेश आने लगे और उनके साथ अभद्रता करने लगे। वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि नगर निगम के कर्मचारी ठेला व्यापारियों के साथ किस तरह से अभद्रता को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कुछ महिलाओं के साथ झूमा झपटी भी कर रहे हैं। महिलाएं ठेला रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी ठेला को अपनी गाड़ी में लोड करके नगर निगम कार्यालय लेके चले जाते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन नगर निगम के कर्मचारी शहर में उतरे थे और पुरानी हॉस्पिटल के पास कुछ ठेला व्यापारी ठेला लगाए हुए थे, जिसमें सब्जी के ठेले थे प्रमुख रूप से, और ज़्यादा सब्जियां भी नहीं थी उन ठेलों में। करीब 5 से 10 किलो उनकी टोटल सब्जियां थी, जिनको देखते ही नगर निगम के कर्मचारी भड़क उठे, वह उनके साथ अभद्रता करने लगे, उनके ठेला वहां से ले जाने लगे, जिस पर ठेला व्यापारियों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा नगर निगम कर्मचारियों के सामने हान जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि वह दिन भर कमाई करते हैं तब जाके उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी कुछ नहीं सुने और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए वह ठेले को अपनी गाड़ी पर लोड करके नगर निगम कार्यालय लेकर चले गए। हालांकि पूरे जिले में, प्रदेश में, देश में कोरोना
तेजी के साथ फैल रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन सख्ती के साथ पेश आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि जो दिन भर मजदूरी करते हैं और दो वक्त की रोटी कमाते हैं, उनका क्या होगा। हालांकि प्रशासन के द्वारा 7 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए ठेला व्यापारियों को छूट दी गई है, बावजूद इसके भी ठेला व्यापारी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए ठेले को सड़क पर घुमाते हैं। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा जो अभद्रता किया गया या व्यवहार किया गया, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और विपक्ष सरकार पर हमलावर भी है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB News। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो वहीं कुछ ही दिन नहीं बीते और 104 मौतें हो चुकी। वो वितरण सुनिश्चित कराने के लिए हर गांव में लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना के प्रत्येक ब्लॉक में 5 रिस्पांस टीमें भी गठित की जा रही हैं, रैपिड रिस्पांस टीम। और इसमें हमने वीडियो को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया है, SDM को नोडल जोनल मजिस्ट्रेट बनाया है। इनके माध्यम से जो भी व्यक्ति हमारे सक्सेसिव आएंगे, जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आएंगे, होम आइसोलेशन में होंगे, उनको दवाओं का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। हमारे 5 कोविड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि अगर उन्हें इस तरह का कोई भी दिक्कत होती है, तुरंत कोविड कंट्रोल रूम में फ़ोन करके और अपने ये लक्षण बताकर वो डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हमारा कोविड कंट्रोल रूम के 5 नंबर
क्योंकि आपको बताए जाएंगे पाँचों नंबर जो है वो सक्रिय है और वो किसी भी नंबर पर आप किसी भी समय फोन करके परामर्श ले सकते हैं। जिला अस्पताल में वहीं इस महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन परेशान नजर आए तो वहीं जिलाधिकारी प्रियंका नारायण ने कोविड कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, जहां उन्होंने कंप्यूटर व रजिस्टर को चेक करती नजर आई। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका नारायण ने कहा कि अगर कोई भी लापरवाही करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोरोना पेशेंटों पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया जाए जिससे वह ठीक होकर घर जाएं। वहीं उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम पर फोन करता है तो उसकी परेशानी का निराकरण तत्काल किया जाए। एनबी न्यूज मैंगराजपुर जालौन। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ आग का तांडव। इस समय सीमावर्ती गांव में फसलें पककर तैयार हैं, लेकिन बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगातार फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों की चिंता का सबब है। बिजली विभाग की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। हजारों एकड़ फसल जलकर राख हो चुकी है, ऐसे में किसानों को मुआवजा किस प्रकार दिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ENB न्यूज जम्मू। मुंबई के सभी कोविड सेंटरों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है, जहां वैक्सीन लेने वालों की जिस तरह से लगातार भीड़ देखी जा रही है उसको लेकर आज यहां मुंबई के गोरेगांव नेस्को कोविड सेंटर पर आप देख रहे हैं यहां वैक्सीन का काम किया जा रहा है। लेकिन कितने सिस्टम से सारी चीजें बनाई गई है, वेटिंग रूम बनाया गया है, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन एरिया बनाई गई है, तमाम लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है, न्यूज़पेपर सहित बिस्किट चाय की व्यवस्था की गई है। जैसा कि किशोरी पेडनेकर ने आज दौरा किया और तमाम जानकारी दी। अंदर आके आप अभी देख रहे हैं कितना सिस्टम अच्छा है। जो अंदर आते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी जो बिन मैसेज नहीं आए और वो आए तो उनको भी आज के दिन देंगे। 4,500 वैक्सीन आज के दिन हम करेंगे और अंदर आने के बाद उनको चाय है, पानी है, बाहर भी हमारे शाखा प्रमुख पानी बांट रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं हमारे सब पदाधिकारी है। तो इसका मतलब है दिक्कत ही हो रही है, मींस उसका मतलब है सिस्टम के ऊपर ज़्यादा भार आ रहा है। हमारा सिस्टम अंदर आने के बाद अच्छी तरह चल रहे, आज का दिन वॉकेबल लोगों को देंगे। लेकिन कल से जिनका कोविन ऐप पर मैसेज आया है उनको ही वैक्सीन मिलेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। इस दौरान किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा है कि जिस तरह मुंबई में तमाम वैक्सीन सेंटर पे भीड़ देखी जा रही है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंतित है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले शुक्रवार से सिर्फ उनको वैक्सीन दिया जाएगा जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ही वैक्सीन सेंटर पे आएंगे। यानी कि अब जो भीड़ देखी जा रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उस रजिस्ट्रेशन के जरिए आपको लोकेशन दिया जाएगा, आपका टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे, फिर आपको वैक्सीन दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जिस गोरेगांव वैक्सीन सेंटर में उपलब्ध है वहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, लोग अनावश्यक भीड़ मचा रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर पालिका लगातार कोशिश कर रही है कि सुगमता से लोगों को वैक्सीन दिया जाए, लोग भगदड़ न करें, हालांकि पैनिक भी न हो, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से वैक्सीन की शॉर्टेज बताई जा रही थी उसको लेकर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है कि जब वैक्सीन पूरा कर लिया जाएगा उसके बाद से लोगों को जो है वैक्सीनेशन का काम सुचारू किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश सिंह के साथ सोनी एनबी न्यूज मुंबई। उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उज्जैन में देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में बेड की जगह और ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर जो उज्जैन शहर में अभी तक लॉकडाउन चल रहा था उसी को लेकर कल एक क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई बीसी द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीसी ली गई, जिसमें जनप्रतिनिधि मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, ADM नरेंद्र सूर्यवंशी, SP सत्येंद्र शुक्ल जी आदि सभी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। और इस मीटिंग में शामिल होने के बाद में ये निर्णय लिया गया है कि इस लॉकडाउन को जो कि पहले 30 अप्रैल तक उसको बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया गया है,
लेकिन ये जो लॉकडाउन बढ़ा गया है इसमें 1 मई से किराना दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। पहले भी प्रशासन इस प्रकार की क्राइसिस मीटिंग करता रहा है, वो पिछले 1 महीने में कम से कम वो 4 से 5 बार इस क्राइसिस मीटिंग को कर चुका है, लेकिन जब भी वो डिसीजन करता है और डिसीजन करने के बाद में वो अपने फैसले बाद में उसको बदलना पड़ते हैं। अभी भी ऐसा देखने में आया है कि जब उसने पहले किराने की दुकान खोलने के लिए और बाज़ार खोलने के लिए अनुमति दी थी तो जो सुबह 8 से 12 तक की थी, लेकिन उसको उसी अनुमति को उन्होंने कुछ समय बाद ही वापस ले लिया और उस बाज़ार को बंद करने की बात कर दी थी और कहा था कि होम डिलीवरी की जाएगी, लेकिन वापस से उसी डिसीजन को लेकर वो आए हैं। तो इससे 1 मई के बाद से सुबह 8 से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक किराने की दुकानें खुली जाएगी। जो छोटे वेंडर हैं उन्हें मंत्री जी द्वारा 1,000 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा। जो छोटे वेंडर जो काम नहीं कर पा रहे हैं और जिनकी दुकानें बंद हैं उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये कहा गया है, ट्वीट किया गया है कि उसके अंदर के उन वेंडरों को 1,000 रुपये भी दिया जाएगा। लगातार उज्जैन शहर में जो ऑक्सीजनों और इन चीज़ों की कमी की चल रही थी, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने भी कई घोषणाएं की हैं और उज्जैन शहर में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है। जो उज्जैन सहयोग के द्वारा चरक हॉस्पिटल में और PTS में और आयुर्वेदिक भवन में लगाए जाएंगे, और जो उन्होंने अपनी राशियाँ 50-50 लाख रुपए दी थी उसको उन्होंने कलेक्टर को फ्री हैंड किया है कि वो इन राशियों का जैसा चाहे वैसा कोरोना पेशेंट के लिए या कोरोना महामारी को देखते हुए जहाँ भी वो लगाना चाहें इसको लगा सकते हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और यहां वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यहां सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। सभी लोग यहां मास्क लगाए हुए हैं। आप वोट डालने आई हो, कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार वोट डाल रहे हो? अच्छा लग रहा है, वोट डालते हैं, ये हक सभी को मिलना चाहिए वोट डालने, तो अपना वोट सही जगह पर देना चाहिए। कैसा प्रत्याशी आप चुनना पसंद करेंगे? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो आने वाले भविष्य के बारे में सोचे और आगे चल के कुछ अच्छा करे, ऐसा ना करे कि जिससे जनता को दुख पहुंचे। यहाँ लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे दो किस तरह यहाँ वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है और भारी में यहाँ कितनी लाइन लगी हुई है। यहाँ महिला भी बैठी हुई है और नौजवान भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे लोग। यहाँ प्रशासन के द्वारा भी पूरी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन व्यवस्था करने में लगा हुआ है। जिस तरह चुनाव आयोग के द्वारा जो आदेश किए गए हैं, जो पूरे देश में कोरोना वायरस चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ लोग पालन कर रहे हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज वोटिंग जो है पूरे दिन रहा, लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जनपद में वोट डाला गया और मतदान कर्मी जो है पूरे दिन वोटिंग कराते रहे। लगभग शाम 5 बजे तक 60% के करीब वोटिंग हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान हर बूथों पे जो है लगभग जाके और पल पल की जो है मॉनिटरिंग करते रहे। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। बहराइच थाना खैरी घाट क्षेत्र के संकल्पा पोलिंग बूथ पर कैप्चर को लेकर दो गुटों में संघर्ष हो गया, जो संघर्ष करीब 1.5 घंटे चला। लाठी पत्थर पूरी तरीके से चलाए गए जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर करीब 1.5 घंटा पुलिस नहीं पहुंची, घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। रफीकुल्ला खान, ANB न्यूज, बहराइच। क्या आप दुबले